देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वन इज बेसिकली पुल सिस्टम जिसके अंदर डिमांड जो है वो मटीरियल को पुल कर रही होती है थ्रू आउट दिस्टम वन इज पुश सिस्टम वेयर जो अपट्रीम वर्क सेंटर है वो पुश करते हैं डाउन स्ट्रीम वर्क सेंटर के ऊपर अपना जो भी प्रोडक्शन आप उन्होंने की है तो दीज आर टू डिफरेंट सिस्टम जस्ट इन टाइम चूज पुल सिस्टम और इससे जो थ्रूपुट uh, है वो इंक्रीज होती है और इन्वेंट्री uh, रिड्यूस होती है क्योंकि जब डिमांड आती है तो उस वक्त प्रोडक्शन शुरू होगी फॉर एग्जांपल कस्टमर से डिमांड आएगी तो फाइनल प्रोडक्ट product की प्रोडक्शन होगी फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए उससे अपस्ट्रीम वाले वर्क सेंटर से प्रोडक्ट uh, की रिक्वायरमेंट आएगी एंड पूरा सिस्टम उस बेसिस के ऊपर चलेगा अब पुल सिस्टम के अंदर यू पुल द मटेरियल ठीक है ना जैसे मैंने बताया कि अपस्ट्रीम के पास डिमांड जाएगी तो वो प्रोडक्शन शुरू करेगा और उसने प्रोडक्शन करनी होगी तो वो उससे अपने अपस्ट्रीम वाले वर्क सेंटर से यूनिट्स चाहेगा तो उसको वो पुल करेगा तो इस तरह ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक पुल सिस्टम के बेसिस के ऊपर मटेरियल फ्लो होगा इसके अंदर पुल सिस्टम के अंदर डाउनस्ट्रीम uh, वाला सिग्नल करता है अपस्ट्रीम वाले वर्क uh, सेंटर को कि जी मुझे मटेरियल चाहिए एंड वो अपने अपस्ट्रीम uh, वाले को सिग्नल uh, करता है सिग्नल किसी तरीके का भी हो सकता है इट कुड बी बेसिकली कार्ड सिस्टम कार्ड मूव कर रहे हैं बॉल uh, रोल किया जा रहा है ये भी देखा गया है कि कई कंपनीज में ये होता है कि डाउन वाला बॉल रोल करता है इसका मतलब है कि मटेरियल चाहिए या लाइट ऑन uh, हो जाती है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए तो दैट इज़ बेसिकली पुल सिस्टम के अंदर सिग्नल्स के जरिए रिक्वेस्ट uh, भेजी जाती है पुश uh, सिस्टम के अंदर ऑन द अदर हैंड उसके अंदर कोई वो सिग्नल वगैरह नहीं होता वो अपस्ट्रीम वाले ने प्रोड्यूस किया और उसने डाउन स्ट्रीम को मटेरियल uh, भेज देना है चाहे डाउन स्ट्रीम के मशीन इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो और उसको जरूरत ना हो तो दैट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम इसके अंदर जो इमीडिएट uh, प्रोडक्शन वो वर्क सेंटर्स हैं उसके अंदर भी पुल सिस्टम है और जो सप्लायर्स uh, हैं वो भी इस पुल सिस्टम के ज़रिए काम कर रहे होते हैं वो मटेरियल उस वक्त सप्लाई करेंगे जब उनको सिग्नल uh, आएगा कि जी मटेरियल चाहिए और एक सप्लायर छः छः सात सात बार पूरे दिन में सप्लाई करता है दैट्स वाई जस्ट इन टाइम में दे uh, रिक्वायर के जो सप्लायर्स हैं वो भी जो मेन कंपनी है मैन्युफैक्चरर उनके करीब ही लोकेट कर रहे हो सो दैट दिन में छः सात बार मटेरियल uh, सप्लाई करना होता है तो उस बेसिस के ऊपर वो आसानी के साथ कर सकें तो ये uh, सिर्फ uh, अपने ही विद इन द फैक्ट्री नहीं बल्कि सप्लायर तक भी ये पुल सिस्टम को यूज़ किया जाता है uh, इसके अंदर स्मॉल लॉट में uh, किया जाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट लेट से चार कार की आई हैं तो वो चार कार की प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्मॉल लॉट साइज़ के अंदर ही होगी और इन्वेंट्री uh, जो है वो मिनिमाइज हो जाती है ऑलमोस्ट रिमूव हो जाती है क्योंकि स्मॉल लॉट्स के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है इसके स्मॉल लॉट्स के भी कई फायदे हैं एक तो ये है कि आप इन्वेंट्री uh, रिड्यूस हो गई क्योंकि Q डिवाइड बाई टू इज एवरेज इन्वेंट्री तो अगर स्मॉल लॉट दस यूनिट्स का आप ऑर्डर कर रहे हैं तो बेसिकली इन्वेंट्री जो है वो फाइव यूनिट्स की आप मेंटेन कर रहे हैं तो इस तरह एक तो इन्वेंट्री कम हो जाती है दूसरी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते फॉर एग्जांपल स्मॉल लॉट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर डिफेक्टिव अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि ये दस यूनिट प्रोड्यूस हुए थे तो इन दस के अंदर डिफेक्टिव है तो उसके क्या कॉज हो सकता है तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू एक्सपोज प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम और उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आसानी आसानी के साथ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि क्यूज़ नहीं लगती अगर हम सिस्टम में देखें तो क्यूज वेटिंग टाइम जो है वो यूजली एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इट इज़ द लार्जेस्ट टाइम एक यूनिट के ऊपर ऑपरेशन एक मिनट का होगा लेकिन क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ा होता है तो उसकी वजह से लट से सौ का अगर लॉट साइज़ तो सौ मिनट सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ जाता है क्योंकि पूरा लॉट के ऊपर जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो वो आगे मूव करेगा तो इसका मतलब है कि हंड्रेड के लॉट के, के अंदर अगर वन मिनट लग रहा है उस पर uh, यूनिट तो हंड्रेड मिनट्स का इंतज़ार करना पड़ रहा है सिर्फ वन मिनट के ऑपरेशन के लिए तो उसकी वजह से जब स्मॉल लॉट साइज़ होंगे फॉर एग्जांपल टेन का लॉट साइज़ है तो फिर टेन मिनट्स का इंतज़ार करना पड़ा है तो उसकी वजह से ट्रू पुट जो है साइकिल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है और आ, ये क्या कहते हैं यूनिट्स जल्दी उनकी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाती है आ, पुश सिस्टम जैसे मिलता है कि डंप्स द मटेरियल और से uh, अपस्ट्रीम का वर्क सेंटर है वो उसको प्लान दिया हुआ है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने और डाउनस्ट्रीम वालों को सप्लाई करने तो वो सप्लाई करता रहेगा इवन दो डाउन वाला वर्क सेंटर शट डाउन हुआ हुआ है बिकॉज उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो उस वक्त तक प्रोड्यूस करता रहेगा और सप्लाई करता रहेगा जब तक स्पेस ख़त्म नहीं हो जाएगी स्टोर करने की फिर जाकर उसको पता चलेगा कि ये देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द डाउन स्ट्रीम वर्क सेंटर और उसका काम नहीं हो रहा तो उसकी वजह से ये जो पुश सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है वो और यूजली लार्ज क्वांटिटीज प्रोड्यूस की जाती हैं पुश सिस्टम के अंदर तो लार्ज क्वांटिटीज की वजह से फिर वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि प्रॉब्लम्स कहाँ आई थी इस वजह से ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है नाउ लेट्स लुक एट द पुल सिस्टम के डायग्रामेटिकली कस्टमर स्टार्ट्स द प्रोसेस बेसिकली डिमांड आती है कस्टमर से तो कस्टमर फाइनल प्रोडक्ट को फाइनल असेंबली को पुल करता है अब जब फाइनल असेंबली को उसने पुल किया तो उससे क्या हुआ फाइनल असेंबली ने सब असेंबली को पुल किया तो सब असेंबली जो है वो उसके प्रोडक्ट जो है वो फाइनल असम्बली के पास सप्लाई होने लगी सो दैट फाइनल असम्बली की प्रोडक्शन हो इसी तरह जो सब असम्बलीज हैं वो फैब्रिकेशन से लेट से डिपार्टमेंट है जो कि अपस्ट्रीम वाला है उसने सप्लाई करना तो वो उसको सप्लाई करेगा और वो सब असम्बली की प्रोडक्शन उस वक्त शुरू होगी और फेब्रिकेसन के लिए लट से वेंडर से मटेरियल आ रहा है तो वेंडर वो सप्लाई करेगा और वो फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर वो डिलीवरी करेगा सो दैट फैब्रिकेशन उसके ऊपर शुरू हो सके सो so ये प्रोसेस जो है ये थ्रू आउट द सप्लाई चेन चलेगा अगर आइडियली देखा जाए कि फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर टिल सप्लायर ऑफ सप्लायर ये सारा का सारा अगर आइडियली ये जस्ट इन टाइम प्रोसेस पुल सिस्टम का ये इम्प्लीमेंट uh, होगा और ये पुल के थ्रू सारा के सारे प्रोडक्ट रिसीव किया जाएगा मटेरियल लिया जाएगा